बहुत अच्छी बात आई थी मुझे समझ में। अभी मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे घर से आ रहा था मेरे ऑफिस पे, और मैं अभी जाने वाला हूँ क्रिकेट खेलने। लेकिन रास्ते में क्या होता है, कभी कभी प्रोडक्टिव चीजें करने की कोशिश करता हूँ। अब वो प्रोडक्टिव चीजें ऐसी हैं कि या तो मैं वीडियोस देखता हूँ या ऐसी कोई चीज देखता हूँ जहाँ थोड़ा इंस्पिरेशन हो, थोड़ा नॉलेज मिल सके, या फिर मैं उन मूवीज को देखता हूँ जो एक बायोग्राफी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। बटोगे अल्गोरिदम आपको हो कि अल्गोरिदम ऐसा है कि जो चीज़ आप एक बार देखते हो दोबारा आपके सामने आता है, या वैसी चीज़ आपके सामने आती है। तो मुझे लगा कि यार इस चीज़ पे बात होनी चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको तुरंत वीडियो बनना चाहिए। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या पता है, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यह है कि जो वीडियो मैंने देखा अभी वो एक मूवी का था, सीक्रेट सुपरस्टार। ठीक है, अब यू जस्ट फाइंड आउट इट कि वो कौन सा सीन होगा, मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। मैं वो बताऊंगा कि उस सीन ने दोबारा जब मेरे सामने आया तो व्हाट आई लर्न, एंड ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी उस चीज़ की। सो सबसे खूबसूरत चीज़ जो थी उसके अंदर वो थी कि हम लोग अक्सर दुनिया में है ना वो काम करते हैं जो काम के लिए हम बने ही नहीं है, और अक्सर हम वो कोशिश करते हैं जो दुनिया को पसंद आने वाला है। हमें ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, बट अक्सर हम लोग सब आप मैं सब इसमें शामिल हो जाते हैं, और उस चीज के अंदर हम अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। अब जो ओरिजिनलिटी जब हम खोते हैं ना तो वो अच्छे अच्छों को गायब कर देती है, खत्म कर देती है। अब ये ओरिजिनलिटी किस वजह से हम खोते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। ओरिजिनलिटी एक ऐसी चीज है जो हम गुस्से में खो देते हैं, किसी के छेड़ने पर हम खो देते हैं अपनी ओरिजिनलिटी। लालच अगर हो हमारे मन में या किसी के प्रति भेदभाव हो तो वहां पे हम लोग थोड़ी सी अपनी ओरिजिनलिटी खो छोड़ देते हैं। हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा जैसे दूसरे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके साथ कनेक्टेड रहें उस फील्ड में, उस जगह पे। तो ऐसी चीज थोड़ी सी हमें अपनी ओरिजिनलिटी से अलग करती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है बिग बॉस भी, अभी आप देख रहे होंगे तो बिग बॉस भी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर द ओरिजिनलिटी को। लेकिन ओरिजिनलिटी वो नहीं है जो बिग बॉस में दिखाई जा रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहां पे लोग अपनी ओरिजिनलिटी नहीं बता रहे, वहां पे लोग अपनी विजिबिलिटी को बता रहे हैं सर। ठीक है, तो वो बात अब फिर कभी बाद में करेंगे, लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हो ना तो आपके अंदर जो चीज है जिस वजह से आप लोगों के सामने नजर आए वो चीज गायब होने लगती है, और फिर आप गायब होने लगते हो। तो अपनी ओरिजिनलिटी को खत्म मत करो। दूसरी चीज जो मुझे पता चला उसमें या समझ में आई आज वीडियो देखने के बाद, सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी इतनी प्यारी चीज है कि जिस चीज को आप जितने सिंपल वे में प्रेजेंट करोगे उतना ही ज्यादा लोगों के पास वो याद रहेगा, और वही चीज ज्यादा रिमेंबरिंग होगी। जैसे एक पोएट थी, बचपन में हम लोग गाते थे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अब वही स्टोरी जब हम बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ गाते हैं तो आज वो रिमिक्स चल रहा है ना। तो रिमिक्स का जमाना तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि रिमिक्स का जमाना क्या है, बट सिंपलिसिटी इट्स अ ऑथेंटिसिटी। आज तक जितने भी ट्रेंडिंग सॉन्ग बने ना, ज्यादातर सॉन्ग पुराने सॉन्गों को लेकर बने हैं। और वो क्यों थे, पुराने सॉन्गों को लेकर क्यों ट्रेंडिंग सॉन्ग बने हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लियर वर्डिंग्स। आप अपनी बात को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों तक रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप सिंपल हो तो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम में लोगों का रिटेंशन बहुत कम हो गया है।
लोगों का रिटेंशन का मतलब होता है कि कोई भी इंसान आपको अगर सुनना भी चाहेगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए सुनेगा, सॉरी 5 या 10 सेकंड के लिए सुनेगा। 5 या 10 मिनट का तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, और पता नहीं ये टाइम कहां जा रहा है। वी आर नॉट सो मच फ्री यार। इंसान के पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में चले गए, फिर भी उनके पास जो है ना 16 घंटे अवेलेबल हैं, और वो 16 घंटों में भी अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे, अपनी बातों को कहने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। कहां टाइम वेस्ट हो रहा है? वी हैव टू फाइंड दैट थिंग। तीसरी जो चीज है, तीसरी चीज ये है, लिसन प्रॉपरली। सीक्रेट सुपरस्टार मूवी के अंदर शी इज माइंड ब्लोइंग एट दैट टाइम, जब आप किसी को अपनी बात कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, या उनकी गलतियां बताना चाहते हो, तो वी हैव टू लिसन देम फर्स्ट। हमें उसको सुनना पड़ेगा। जब हम उसकी बात पूरी सुनेंगे तब जाके आप अपनी बात उनको कह पाओगे। और अक्सर ये होता है कि जब हम ऐसी कोई भी बात किसी से कहते हैं या कहना चाहते हैं, तो वो अपने ओपिनियन पहले ही दे देता है। और ऐसे टाइम पर जब कोई इंसान अपना ओपिनियन पहले दे देता है, वहां पे सबसे बड़ा एक डाउट आता है, और वो डाउट होता है सेल्फ असेसमेंट का। वो खुद पे डाउट करता है, इसीलिए वो तुरंत अपना ओपिनियन दे देता है। और ऐसे ही टाइम पर वो आपको ऐसे कुछ पॉइंट दे देता है जिसकी वजह से आप उसे कन्विंस कर सकते हो। अब कन्विंस करने के लिए सिर्फ एक ही चीज आएगी कि आप उसको जब भी कन्विंस करें तो अपने आप को उनका समझ कर करें। रिलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हमारे पार्टनर को, हमारे दोस्त को, हमारे गर्लफ्रेंड को, हमारी फैमिली मेंबर्स की बातों को हम सीरियसली सुनते ही नहीं है। अगर हम उनकी बातों को सीरियसली सुनेंगे देन तो विल गेट अ राइट आंसर, और देन तो विल गिव अ राइट सॉल्यूशन टू देम। हम उनको सही सॉल्यूशन प्रदान कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो, उसके अंदर से मुझे इतना अच्छा सीखने को मिला, क्योंकि लर्निंग इज एवरीवेयर। एंड द व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि आप या मैं, हम सब आजकल सीखना नहीं चाहते। आजकल हम सब सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। हम हमारा 16 घंटे में से ज्यादा नहीं ना, तो सिर्फ 14 घंटे, कम से कम 14 घंटे वी आर स्पेंडिंग ऑन फोन कॉल, एंड ये बहुत ही हॉरेबल है। और इसीलिए मैं बहुत सारे ट्राइज करता हूँ, बहुत सारी कोशिशें मेरी चालू हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें चालू हैं, जिसकी वजह से मैं उस चीज से थोड़ा दूर रहूं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, और अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि यू कैन शेयर टू मी, आप अगर चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें से आपको कुछ समझना है या आपने कुछ समझा है, तो मेरे साथ शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करें। लाइक शेयर कमेंट करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं, दैट इज ओके, बिकॉज ऑफ आई एम हियर फॉर चेंज लाइफ, नॉट फॉर गेनिंग सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स। अगर आपको लाइक करना है तो आप करिए, आपको सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना है कम से कम बात करिए। क्योंकि आजकल किसी इंसान के पास अगर कोई नहीं है ना, तो बात सुनने वाला नहीं है। और मैं आपका हमराज बनना चाहता हूँ, बताओ जरूर, डीएम करना कोई बात नहीं, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। उसके सपने थे बड़े, उसे खुद पे था यकीन, कोई शोर नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन, शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों की फिक्र।